दिखा। इस एरिया में थोड़ा सा रिवर्ब भी ज़्यादा बढ़ा देंगे हम ऑटोमेशन से। मिक्सिंग मास्टरिंग की जब बात आएगी तब उसमें हम देखेंगे ये सब का। अभी हम सिर्फ म्यूजिक बना रहे हैं। अभी देखता हूँ मैं और क्या कर सकता हूँ। आँखों के पन्नों को खुल जाने दो जरा, खोई थी जो राहें मिल जाने दो जरा। कुछ ऑटोमेटिक ऐड करके देखते हैं, आरपीजीओस टाइप कुछ। ट्रैक नंबर 26, इसकी वॉल्यूम भी थोड़ी ज़्यादा है, इसकी वॉल्यूम हमें कम करनी पड़ेगी। अभी तो ये मतलब कुछ एक्सेस में हो रहा है, कुछ एक्सेस में कम हो रहा है, कुछ एक्सेस में कम नहीं हो रहा, कुछ ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो जब हम इसी स्टीरियो शेपिंग करेंगे तब सब कुछ लेवल में हो जाएगा, जिसको अपनी सबको अपनी अपनी जगह मिल जाएगी कि हाँ ये इस जगह में आएगा, ये उस जगह में आएगा। आँखों के पन्नों को खुल जाने दो जरा, खोई थी जो राहें मिल जाने दो जरा। आँखों के पन्नों को खुल जाने दो जरा, खोई थी जो राहें मिल जाने दो जरा। जो रोके तुझको ये दुनिया, अपनी राहें तू खुद बना। हारमोनी ऐड कर देता हूँ, चलो वो तो खैर बाद में देख लेंगे मिक्सिंग के टाइम, प्रोसेसिंग के टाइम। अभी हम इसे कॉपी कर लेते हैं। बहुत इजी है यार नीचे बैकग्राउंड का म्यूज़िक देना, पर डिपेंड करता है कि हमारी थिंकिंग कहाँ तक जाती है। और मैं यूज़ भी सारे स्टॉक प्लगइन से यूज़ कर रहा हूँ। पॉइजन देखते हैं इसमें कुछ मिलता है कि नहीं। पॉइजन नहीं, GMS। मुझे थोड़ा एक लीड टाइप कुछ चाहिए। लीड कहाँ मिलेगी? लीड साइट्रस ही ले लेते हैं लीड के लिए भी। एफएक्स ड्रम बेल लीड में मुझे ये स्पूक की ये सही लगी मुझे। यहाँ से अभी इसमें कुछ डिफरेंट करके देखते हैं। इसे स्टॉक प्लगइन के साथ ही होगा ये जो ट्रिक मैं अपना रहा हूँ।
पीसी 27 शायद ये यहाँ पे ज़्यादा बेटर लगेगा। आँखों के उदारा आँखों के पन्नों को खुल जाने दो जरा, कोई थी जो राहे मिल जाने दो जरा, जो रोके तुझको ये दुनिया अपनी राहें तू खुद बना। यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट ऐड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे लेयर पे हमने वापस उसे डाल दिया। अभी यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट बना के देखते हैं। हार्मलेस सिंथ ठीक गिटार, इसमें क्या है देखना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल बड़ा हो रहा है बट क्या म्यूज़िक बनाने में बहुत टाइम लगता है, कई बार तो कई कई दिन भी लग जाते हैं, फिर भी मन चाह मिलता, शुरू से भी करना पड़ जाता कई बार पूरा करने के बाद भी, तो आसान नहीं है ये चीज़। बट हाँ नहीं करोगे तो होगा ही बेशक उसका स्केल की मैच करेगा, बट वो अगर उसके साथ अगर मर्ज नहीं होगी वो मेलोडी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा हो सकता है। और देखना पड़ेगा इसमें पैड नहीं प्रोकशन भी नहीं। पर यूज करें सिर्फ, और वो भी थोड़ी सी साइड चेन के साथ। अगर देख लेते हम एक बार यहाँ से साइड चेन लगा के इस पे, ठीक।
फ्लूट मुझे लगता है फ्लूट या वायलिन इसमें होना चाहिए। फ्लूट मिलेगी साइट्रस में। अगर मैं पर्सनली किसी का प्रोजेक्ट बनाता है तो मैं इसमें सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज़ करता, बट ये सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए मैं इसमें स्टॉक प्लगइन्स यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है, बट कई बार स्टॉक उन प्लगइन्स में, थर्ड पार्टी प्लगइन्स में हमें मनचाहा इक्विपमेंट या फिर हमारा इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही होता है अगर ज़रूरत की चीज़ मिल जाए जो दिमाग में हो। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बाकी का जो सॉन्ग होगा मैं खुद से आराम से कंप्लीट करूँगा, क्योंकि पूरे का वीडियो बनाना तो आई थिंक पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। बट नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग करेंगे कि इसे सबको कैसे इक्वल करना है और इसे और अच्छा साउंड कैसे करवाना है। एक बार फाइनल रिजल्ट को सुन लेते हैं। आँखों के पन्नों को खुल जाने दो जरा, कोई थी जो राहे मिल जाने दो जरा। आँखों के पन्नों को खुल जाने दो जरा, कोई थी जो राहे मिल जाने दो जरा। जो रोके तुझको ये दुनिया, अपनी राहें तू खुद बना। कंप्लीट हो चुका है, इस पर थोड़ा म्यूज़िक और होगा तो वो मैं कर लूँगा, उस पर मुझे शायद थोड़ा टाइम लगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूँगा और जो भी चीज़ें यूज़ करूँगा मैं स्टॉक प्लगइन्स की चीज़ें यूज़ करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इसकी मिक्सिंग और मास्टरिंग के ऊपर, इसे और अच्छा साउंड कराएंगे हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स को और वोकल्स को, किसी पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं लगा है। हाँ, वोकल्स पर एक ऑटो ट्यून और एक रिवर्ब लगा है बस, और कुछ भी नहीं लगा किसी भी चीज़ पर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सारे इफेक्ट्स लगाएंगे, क्या क्या इफेक्ट्स लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।